दोस्तों कैसे हैं आप लोग सो आई वेलकम यू ऑल टू द पार्ट ऑफ ऑफ चैप्टर दार्ट से तो मुझे काफी अच्छे कॉमेंट्स मिले आपकी तरफ से कि आपको अच्छा लग रहा है एंड आई एम ग्लैड टू हेयर दैट एंड uh, ये इसके बाद एक और पार्ट में आएगा क्योंकि मैं इसीलिए डिवाइड कर रही हूँ बिकॉज़ इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वरना एक ही वीडियो में बनाते हैं ना फिर घचमच घचमच हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें समझ में नहीं आती ना एक ही बार में सो so, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक, एक वन गो में बना दूँ तो वो भी पॉसिबल है मेरे लिए बट दैट विल डिपेंड कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितना आपने पहले कितनी बार पढ़ा है ना सो so, देख लेते हैं कल हमने uh, एच ए इसके बारे में पढ़ा था हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स के बारे में आज हम वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं वेटलैंड के साथ आपको रामसर कन्वेंशन याद आ जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा है ना वेटलैंड रामसर कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड सो so, वेटलैंड्स देख लेते हैं ये वेटलैंड होते क्या है भाई एरियाज इंटरमीडिएट इन कैरेक्टर बिटवीन डीप वाटर एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ठीक है मान लो अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेटेट यहाँ पे रह रहे थे कुछ लोग और फिर यहाँ पर बीच या फिर कोई ओशियन चालू हो गया ठीक है या कुछ भी इस तरीके से फॉरेस्ट वॉरेस्ट चालू हो गए तो या मान लो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है और फिर यहाँ पे थोड़ी दूर जाके ओशियन चालू हो गया एमेजन रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लगा लो तो ऐसा थोड़ी एकदम से बस ये इस सेंटीमीटर के बाद तो ओशियन ही चालू हो जाएगा ऐसे नहीं होता देयर इज एन इंटरमीडिएट जोन जहाँ पे ओशियन की भी प्रेजेंस होती है पानी पानी भी होगा एंड टेरेस्टिल वाली भी होगी एंड दोनों चीज़ों की होगी दैट इज़ कॉल्ड अ वेटलैंड ठीक है सो so दी uh, यहाँ पे क्या होता है पीरियॉडिक फ्लडिंग होगी अब इंटरमीडिएट जोन है तो जो फ्लड का पानी आएगा ओशियन से वो कहाँ जाएगा सीधा पहले वेटलैंड्स में जाएगा क्योंकि इंटरमीडिएट जोन और फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जाएगा एंड एडेंट डीप वाटर हैबिटेट्स दैन देयर फॉर सपोर्ट प्लांट्स एंड स्पेसिफिकली अब इतना पानी इतना मॉइस्चर होगा तो प्लांट और स्पीशीज तो ग्रो करेंगे ही यहाँ पर और वाटर लॉगिंग भी होगी वाटर लॉगिंग मतलब पानी खड़ा रहता है वहाँ पे सो दे इंक्लूड लेक लिटोरल्स ठीक है लेक लिटोरल्स क्या होते हैं मार्जिन बिटवीन हाइएस्ट एंड लोएस्ट वाटर लेवल ऑफ लेक्स तो मैं आपको अगर uh, दिखा देती हूँ लेक लिटोरल्स क्या होते हैं देखो ये होता है लेक एक लेक बेसिकली लेक की लेयर्स तो ये लिटोरल जोन होती है ठीक है अब लिटोरल जोन है तो यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट होगा ये वेटलैंड uh, ही कहलाता है क्योंकि यहां पे पानी है तो यहाँ पे क्या एक्वेटिक इकोसिस्टम चालू हो गया और ये कौन सा टेरिस्टियल इकोसिस्टम तो बीच का इंटरमीडिएट क्या होता है वेटलैंड सो लिटोरल जोन भी एक तरीके का वेटलैंड

है मतलब वाटर रिप्लेनिश होता जा रहा है फ्रेश या ब्रैकिश वाटर हमने कल पढ़ा था ब्रैकिश मेराइन uh, और उसमें क्या फर्क होता है फ्रेश वाटर में जिसकी जिसकी सेलिनी लेस देन फाइव पार्ट्स पर थाउजेंड होता है एंड पीपीटी होता है एंड uh, जो ब्रैकिश वाटर होता है उसकी फाइव टू थर्टी फाइव पी होता है एंड जो सेलाइन uh, वाटर होता है उसकी सेलिडिटी ग्रेटर देन थर्टी फाइव पी होती है सो दिस यू मस्ट रिमेंबर ठीक है तो वही उसका बता रखा है ब्रैकिश वाटर इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मेराइन डेप्थ मेराइन वाटर विद द डेप्थ ऑफ विच लो टाइड डजेंट एग्जिट सिक्स मीटर ठीक है तो जब लो टाइड आएगी तो छः मीटर के आसपास ही उसकी डेप्थ होनी चाहिए तो उसे एक वेटलैंड कहते हैं ठीक है थीके? सो so, भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई पानी से कवर्ड रहेगा वाटर लॉक्ड होगा आई नो कि लिख रखा है फ्लोइंग भी हो सकता है तो फ्लोइंग जब होगा तो वाटर उसका रिप्लेनिश होगा बट कॉन्स्टेंटली वहाँ पानी खड़ा रहना चाहिए स्वम्पी होना चाहिए ठीक है फॉर एटलीस्ट सेवन डेज ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड अडॉप्टेड प्लांट्स लाइफ ठीक है वहाँ पे प्लांट्स होने चाहिए हाइड्रोफाइड जो मतलब पानी में भी ग्रो कर सकते हैं ठीक है ठीके? उस तरीके से जैसे पैडी वैडी होती है वीड्स तो नहीं होगेगा ना वहाँ पे तो इस तरीके का होना चाहिए हाइड्रिक सॉयल्स नॉट इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर सम प्लांट्स ठीक है तो हाइड्रिक तरीके के वहां चाहिए तभी वहां पे ज्यादा प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा अगर सॉयल ऐसा होगा जो ऑक्सीजन रिप्लेनिश करता रहेगा तभी वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ सस्टेनेबली होगी तो वेटलैंड दो तरीके के होते हैं एक तो भाई इनलैंड होंगे और एक कोस्टल होंगे ठीक है तो कोस्टल देख लेते हैं या पहले इनलैंड देखें नहीं कोस्टल देख लेते हैं ठीक है थीके? तो क्योंकि इनलैंड आपने जोग्रफी में कवर किया है तो कोस्टलैंड कोस्टल देख लेते हैं तो कोस्टल वेटलैंड्स कौन से होगी आपको वेटलैंड के आप दिमाग में यही रखना इंटरमीडिएट जोन होगी टेरेस्ट्रियल और मेराइन इको की ठीक है तो एक नेचुरल होंगे नेचुरल क्या फिर एश्चरी एश्चरी में आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए नर्मदा और तापी दो रिवर्स है जो सिर्फ एश्चरी बनाती हैं ठीक है बाकी रिवर्स हैं वो एश्चरी भी बनाती है और डेल्टाज भी बनाती है क्यों भाई सिर्फ एश्चुरी बनाती हैं क्योंकि इनके पास इतना जो इनका फ्लो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये इतना सिल्ट वगैरह कैरी कर ले इसीलिए ये एश्चरीज बनाती हैं

सो वेटलैंड्स इनलैंड वेटलैंड्स कौन से होते हैं लेक्स पॉन्ड्स ये तो आप देख ही चुके हैं जो मैन मेड पोंड्स तो कुछ मैनमेड uh, भी होते हैं कुछ नेचुरल भी होते हैं तो पोंड भी वेटलैंड होगा ठीक क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरमीडिएट होगा ना उसके बीच में बिटवीन uh, टेरेस्ट्रियल एंड इको जो उसकी लिटोरल जोन होगी सो दीज आल्सो वेटलैंड्स ऑक्सबो लेक्स ठीक है जो ऑक्सबो लेक्स जैसे रिवर्स में एंडर करेगी तो ये जो लेक निकल जाता है इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं जोग्रफी में आप देख लो नहीं याद है तो वाटर लॉक्ड एरिया सीजनल या स्वाम्प मैच जिसको इनलैंड वेटलैंड वेटलैंड कहते हैं मैन मेड में क्या होगा रिजर्वॉयर टैंक वाटर लॉक्ड एरिया या पॉन्ड्स ठीक है देन फंक्शन क्या होते हैं भाई वेटलैंड्स के अब इंटरमीडिएट जोन है तो फंक्शन क्या होंगे वहां पे फ्लोरा फोना तो ज्यादा ही होंगे फ्लोरा मतलब फ्लावर्स या प्लांट रिलेटेड चीज़ें फ़ोना मीनस एनिमल्स रिलेटेड चीज़ें ठीक है एंड न्यूमरस बर्ड्स होंगे माइग्रेटरी स्पीशीज भी होंगे फिल्ट्रेशन भी होगी सेडिमेंट्स की क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर वाटर एक्सचेंज होता रहता है ठीक है वाटर लॉक्ड होता है एंड एक्सचेंज भी होता रहता है क्योंकि वो फ्लडेड होता है काफी टाइम पर फ्लड होगा तो न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग होगी वाटर को प्योरीफाई भी हो जाएगा फ्लड मिटिगेट होगा क्योंकि वहाँ पर वो एब्जॉर्बर्स का, का काम करते हैं एक्स्ट्राफ़ एक्सेसिव ठीक है मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीम फ्लो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करते रहेंगे टाइम टू टाइम पे प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर भी कर सकते हैं क्योंकि lake, तो ये तो है ना तो ये तो पानी प्रोवाइड करेंगे ही ना कंट्रोल रेट ऑफ रन ऑफ इन द अर्बन से रन ऑफ ना चला जाए तो वो रन ऑफ कुछ ही कर लेते हैं, बफर erosion, तो erosion भी नहीं होने करते हैं एंड कम्प्राइज इन इम्पॉटेंट रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म ठीक है यहाँ पे क्योंकि फ्लोराफोना अच्छे हैं तो टूरिज्म वाली चीज़ें भी ज़्यादा आती हैं लोकल क्लाइमेट स्टेबिलाइज़ होगी सोर्स ऑफ लाइवलीड होगा आप यहाँ पर कुछ ड्रिंकिंग वाटर करवाएंगे कुछ आ, पेड़ वेड काटेंगे ठीक है टिम्बर वेम्बर क्या बैम्बू का यूज़ होगा सो लाइवलीड भी होगा जेनेटिक रिजर्वर फॉर वेरियस स्पीशीज ऑफ़ प्लांट्स और जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करेगा रीजन क्या है भाई डिप्लीशन की पहली बात तो ओवरग्रेजिंग हो रही है ठीक है लोग चराने ले आते हैं अपने कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर

तो ये सब आपको पता ही है इसलिए मैं फटाफट कवर कर रही हूँ मिट्टेश कैसे अब इसको बचा कैसे सकते हैं सर्वे एंड डिमार्केशन करो कहाँ कहाँ वेटलैंड्स हैं उनकी प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रीजनरेशन करो जो नेचुरल तरीके से वो बन रहे हैं आर्टिफिशियल नहीं है पॉसिबल तो आर्टिफिशियली कराओ प्रोटेक्शन मेजर्स लेकर आओ जिस जैसे कि एफॉरेस्टेशन वीड कंट्रोल सोयल एंड मेथड्स ऑफ एफॉरेस्टेशन वाइल्ड लाइफ है जो वहाँ की उसको कंजर्व करो इंक्रोचमेंट्स को रिमूव करो कि जो अवैध रूप से बना लेते हैं वहाँ पे ठीक है या अपना एरिया कन्वर्ट करें उनको कंट्रोल करो यूट्राफिकेशन अबेटमेंट अबेटमेंट करो कि यूट्रोफिकेन का क्या मतलब होता है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हमने कल ही पढ़ा था ठीक है कौन से लेक देखे थे हमने ऑलिगोट्रॉफिक मीजोट्रॉफिक और यूट्राफिक लेक्स देखे थे ठीक है अब ये आ, कैसे डिपेंड करते हैं इसमें सैलिनिटी काफ़ी कम होती है सैलिनिटी नहीं न्यूट्रियस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन इसमें कम होती है इसमें मीडियम होती है और यूट्राफिक में सबसे ज़्यादा होती है तो जितना यूट्राफिकेशन होगा उतनी एल्गी वेलगी ज़्यादा बनेगी और फिर हमने कल पढ़ा था कि वो एल्गल ब्लूम बन जाएगी और पूरे ही आ, क्वाटिक इको सिस्टम को खा जाएगी तो यूट्रोफिकेशन अबेटमेंट करानी पड़ेगी हम यूट्राफिकेशन होने नहीं दे सकते और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस करनी पड़ेगी ठीक है सो so, डिस्टिंक्शन कैसे भाई लेक से कैसे अलग हैं आप ये बताओ तो भाई क्या है कि लेक और इसकी हमने अलग अलग डेफिनेशन नहीं दे रखी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस क्या आप देख सकते हो आप वेटलैंड का एक टाइप तो लेक्स भी है ना तो ऐसे डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं दीज आर वन एंड दीज आर टू सर्ड ऑफ द सेम क्वें क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दे रखा द लेक नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ने लेक को क्या कंसिडर किया कि भाई स्टैंडिंग वाटर बॉडीज होंगी और मिनिमम वाटर डेप्थ होगी तीन मीटर के आसपास ठीक है एंड दस दस हेक्टेयर का एरिया कवर करेंगे एंड वहाँ पे काफ़ी कम वेजिटेशन होंगे अब कोई लेक्स होते हैं ठीक है थीके? अब आपने देखा होगा लेक्स Uh, मैं तो आई एव बिन टू चंडीगढ़ तो वहाँ का सुखना लेक देखा है मैंने पानी ज़्यादा है वहाँ पे जबकि वहाँ पे वेजिटेशन कम है ठीक है दीज वाटर बॉडीज आर यूज प्राइमरली फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइज इरीगेशन या फिर रिक्रिएशन के लिए बेसिकली टूरिस्ट वाला अट्रैक्शन स्पॉट होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैक्रोफाइट्स ठीक है फ्री फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है जनरली uh, जो वेटलैंड्स में होते अफेक्ट जनरली प्रेजेंट इन वेटलैंड्स एंड अफेक्ट द वाटर क्वालिटी एडवर्सली ठीक है तो क्या होते हैं जो uh, ये लेक्स uh, होते हैं इसमें तो मैक्रोफाइट्स बहुत कम होंगे पर जो मैक्रोफाइट्स हैं कौन से होते हैं सबमर्ज uh, या फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ये वेटलैंड्स में ज़्यादा होते हैं हम आगे डिफरेंस भी देख लेंगे हाउ मार्जिनल एक्वाटिक वेजिटेशन पर्टिकुलरली कॉम्प्रोमाइजिंग द इमर्जेंट प्लांट्स इन इन दोनि वाटर लॉग्स ऑयल आर ओनली डिजायरेबल बट इट इज़ टू प्रमोटेड क्योंकि वेटलैंड्स इरोजन चेक करते हैं ठीक है एंड हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए ठीक है जितने प्लांट्स होंगे उतने एनिमल्स भी होंगे सो वेटलैंडस क्या होते हैं जनरली लेस देन थ्री मीटर डीप तो ये याद रखना है डेप्थ इनकी कम, कम होती है हम मैं आगे आपको रिलेट करवाऊंगी कैसे क्यों क्या फ़र्क पड़ता है इससे डेप्थ कम होती है शैलो होते हैं एंड रिच होते हैं न्यूट्रिय में मैंने बताया कि यूट्रोफिकेशन मीजो एंड यूट्रोफिकेशन के बीच के होते हैं तभी इनमें फटा जल्दी जल्दी आ, वो रिप्लेनिश होना ज़रूरी होता है वरना यूट्रोफिकेशन हो जाती है एंड यहाँ पे काफ़ी अबंडेंट मैक्रोफाइट्स होते हैं तो हाई डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ फोना पर्टिकुलरली बर्ड फिश मैक्रो इन्वर्टिब की यहाँ पे कैटा होती है क्योंकि इतना ही ये फ्लोरा जितना होगा उतना ही आगे यहाँ पे फोना अट्रैक्ट होता है ठीक है दी शैलो लेक तो बेसिकली शैलो लेक्स ठीक है लेक्स तो नॉर्मल होते हैं जिनकी थ्री मीटर से ज्यादा डेप्थ होती है जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम ने डिफाइन किया है ठीक है एंड तो थ्री मीटर्स है तो शैलो लेक जो होंगे उनको हम वेस्टलैंड कह लेते हैं ठीक है देन देखो भाई ये डेफिनेशन देख लेते हैं लेक्स आर जनरली लेस इंपॉर्टेंट क्योंकि लेक्स तो मैनमेड वगैरह भी हो जाते हैं एंड बट जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की कंजर्वेशन में वेटलैंड्स uh, ज़्यादा कारगर साबित होते हैं क्योंकि ये मैक्रोफाइट्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं जबकि लेक्स में ऐसा नहीं होता है है ना सो कंपैरिज़न बिटवीन लेक एंड वेटलैंड देख लेते हैं ओरिजिन ठीक है वेरियस प्रोसेस से हो सकता है आप कोई लेक आर्टिफिशियली भी खुदा सकते हैं है ना और जो वेटलैंड हैं इनका ओरिजिन फ्लोवियल या जियोमॉर्फिक प्रोसेस से ठीक है नेचुरल वे से होता है एट टाइम जो शैलो लेक है उसका जियोमॉर्फिक प्रोसेस इरोजन वगैरह इन सब से हो जाता है वाटर टर्नओवर का क्या मतलब है आ, वाटर टर्नओवर मतलब ये पानी ये लेक लगा लो ठीक है अब यहाँ पे ये ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा गर्म पानी नीचे और ठंडा फिर नीचे बिल्कुल ठंडा पानी तो वाटर टर्न ओवर मतलब वाटर का सर्कुलेशन फ्रॉम बीनीथ टू द टॉप सो इसमें परमानेंट एक परमानेंट फीचर है लेक का ठीक है तो परमानेंट होता ही रहता है लेक में वाटर टर्न ओवर होता ही रहता है लेक में बट वेटलैंड क्योंकि ये शालो होता है इसीलिए इसमें परमानेंट या टेम्परेरी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द वेटलैंड ठीक है वाटर लेवल चेंजेस तो इसमें रिलेटिवली स्मॉल होता है ज़्यादा बढ़ते घटते नहीं है पर ये लार्ज होता है क्योंकि इसमें वाटर रिप्लेनिश होता रहता है ठीक तो है तो वाटर के लेवल बदलते घटते रहते हैं देन लिटोरल एंड प्लाजियल रेशो तो इसकी स्मॉल होती है लिटोरल एंड प्लाजियल रेशो ठीक है एंड क्यों क्योंकि इसमें जो लिटोरल एरिया होता है ठीक है हम आ, मैं दिखाती हूँ आपको लिटोरल एरिया इसका कम होता है जबकि इसका लिटोरल एरिया ज्यादा होता है दिखाती हूँ मैं आपको दिस इज द लिटोरल जोन ठीक है लिटोरल जोन हमें देख लिया लिटोरल जोन में क्या होता है ज्यादा बेसिकली इमर्जेंट प्लांट्स होते हैं अब प्लांट्स वाला uh, या फ्लोटिंग प्लांट्स वाला जो एरिया होता है वो वेटलैंड में ज़्यादा होगा या लेक में ज्यादा होगा ऑब्वियसली रीजन है मैक्रोफाइट्स का ग्रोथ कहाँ हो रहा है वेटलैंड uh, में तो वहाँ पे लिटोरल एरिया ज्यादा होगा और हमने लिटोरल स्टूपेलाजियल देखा है तो कम किसके लिए होगा ले के लिए जब ये कम होगा तभी मतलब कि लिटोरल जोन वाला एरिया कम है और एल uh, बाई पी ज्यादा किसका है जिसका लिटोरल ज्यादा है माना कि वेटलैंड का सो क्लियर देन इज अबाउट थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन क्योंकि लेक्स काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं तो वहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होगी मतलब ऊपर थोड़ा गर्म नीचे ठंडा ठंडा पानी आता रहेगा पर वेटलैंड में नहीं होगा क्योंकि बहुत शैलो होता है अब इसमें पानी इतना है कितना थर्मली स्ट्रेटिफाइड होगा जो हीट है वो आती रहेगी इसमें डायरेक्टली सो थर्मल स्ट्राटिफिकेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द डेप्थ वर्टिकल मिक्सिंग मिक्सिंग तो भाई आ, अब वर्टिकल मिक्सिंग इसमें थर्मली होगी ठीक है जो हमारा कंडक्शन कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है उससे होगी थर्मली रेगुलेटेड होगी क्योंकि इसकी डेप्थ अच्छी खासी है एंड वाटर एंड इसमें बट यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो विंड से ही रेगुलेट होगा बेचारे के पास और कोई तो रास्ता है ही नहीं देन डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं फाइटो ठीक है हमने कल ही देखा था जो फोटो करके अपना खाना बनाते हैं और इसमें मैक्रोफाइट्स यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट्स उनको मैक्रोफाइट्स कहते हैं फूड चेनेस में कौन सी होगी ग्रेजिंग एंड इसमें डेट्राइटस हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके आप देख सकते हैं तो ग्रेजिंग पाथवे में क्या होता है ग्रेजिंग पाथवे में जैसे मान लो ये घास है घास को कौन खा रहा है ग्रास होपर खा रहा है फिर ग्रास होपर को कौन स्नेक खाएगा स्नेक को कौन खाएगा ईगल खाएगा सो दिस इज अ ग्रेजिंग पाथवे जो प्लांट से स्टार्ट होता है डेट्राइटस पाथवे क्या होता है जो डेट्राइटस या डेड डेड से स्टार्ट होता है डेड मतलब ये लगा लो कि कोई लीफ गिर गया ठीक है पेड़ से गिर गया या कोई Uh, मतलब सड़ी हुई चीज़ है जिसको अर्थफॉर्म खा रहे अर्थफॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है तो ये अर्थफॉर्म ने इसको खा लिया अर्थ फॉर्म ने इसको खा लिया फिर अर्थफॉर्म को किसने खा लिया आउल ने खा लिया ठीक है तो इस तरीके से डेट्राइटस होता है तो दोनों फूड uh, चेन्स में क्या फर्क है कि ये तो प्लांट से चालू होती है या ऑटोट्रॉप से चालू होती है जबकि डेट्राइटस डेड से चालू होती है ठीक है दिस सो दिस यू मस्ट रिमेंबर न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे होता है माइक्रोबियल लूप्स लेस इंपॉर्टेंट एंड माइक्रोबियल लूप्स डोमिनेंट क्योंकि डेट्राइटस से डिपेंडेंट है तो माइक्रोबियल इसमें प्रेजेंस ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी अब इसकी लो है प्रोडक्टिविटी इसकी हाई है क्योंकि यहाँ पे तो मैक्रोफाइट्स है ही नहीं लेक में और यहाँ पे मैक्रोफाइट्स हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी ज़्यादा खाना बनाएंगे ट्रॉफिक स्टेटस क्या है ऑलिगो ट्रॉफिक ठीक है मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स कम होंगे लेक्स में एंड यू ट्रॉफिक इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी वेटलैंड सस्टेन कर पाता है इतने प्लांट्स एंड मैक्रोफाइट्स की ग्रोथ को बायोडावर्सिटी इसमें कम होगी इसमें ज़्यादा होगी फ्लड कंट्रोल कौन कर पाएगा ये नहीं कर पाएगा और ये कर पाएगा वेटलैंड्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज कौन कर पाएगा ऑब्वियसली वेटलैंड्स ज्यादा कर पाएंगे वेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे बेहतर होगा क्योंकि दीज इज एक्टेज प्योरीफायर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंट्रोल ऑफ़ यूट्रोफिकेशन हाई वाटर क्वालिटी वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी यहाँ पे लेक को मैनेज करके रखेंगे तो पर बेसिकली वेटलैंड का काम पानी वानी से रिलेटेड कम जबकि बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन से ज़्यादा होता है ठीक है तो ये डेफिनेशन मैंने एक एक समझा दी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी देन इंडियाज़ वेटलैंड्स के बारे में देख लेते हैं तो वेटलैंड्स काफ़ी क्रिटिकल है भाई हमारे लिए क्योंकि हमारा जो क्रिटिकल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस करते हैं बायोडावर्सिटी को सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड को सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लड वगैरह इन सब को बचाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने सत्ताईस हज़ार चार सौ तीन वेटलैंड्स हैं जिसमें से काफ़ी इनलैंड हैं जैसे कि लेक्स पोन्ट हमने जो ऊपर पढ़े एंड करीबन चार हजार के आसपास कोस्टल वेटलैंड्स है ठीक है एशोरीज वगैरह इन सब तरीकों से सो वेटलैंड्स ऑक्यूपाई एटीन पॉइंट फोर परसेंट ऑफ कंट्रीज एरिया ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स जिसमें से सत्तर परसेंट आर अंडर पैडी कल्टिवेशन ठीक है तो वहाँ पे पैडी लगा लेते हैं लोग जैसे कि मैंने आपको बताया इंक्रोचमेंट का चक्कर रहता है यहाँ पे तो नेचुरल वेटलैंड्स कहाँ है भाई हाई ऑल्टीट्यूड पर भी मिलता है ये मत आपको अपने दिमाग में लगा लेना कि भाई यहाँ ओशियंस है वहीं पर वेटलैंड्स पाए जाएंगे ऐसा नहीं होता अब लेक्स वगैरह हमने पढ़ा कि लेक्स होते हैं तो लेक्स की लिटोरल जोन भी होती है ये भी एक वेटलैंड है ठीक है तो नेचुरल वेटलैंड्स हाई ऑल्टीट्यूड पे भी पाए जाते हैं एंड ऑब्वियसली वेटलैंड्स जैसे कि इनलैंड भी होते हैं पॉन्ट्स लेक्स तो वो सब भी पार्ट ऑफ वेटलैंड्स होते हैं तो नेचुरल वेटलैंड्स हाई ऑल्टीट्यूड पे भी होंगे फ्लड प्लेन्स पे भी होंगे सेलाइन एंड टेम्परेरी वेटलैंड्स एरिड एंड सेमी एयरिड रीजन्स में भी होंगे कोस्टल वेटलैंड्स होंगे जिनको लगून ब्लैक वाटर एश्चुरीज मैंग्रोव फॉर्म्स कहा जाता है एंड ये मैं आपको एक डायग्राम से अच्छे से दिखा दूंगी जब एश्चुरीज का टाइम आएगा सो so, ये कन्नी मरा टीक के बारे में बता रखा है कि भाई इसको लार्जेस्ट लिविंग पीक इन द वर्ल्ड बोला जाता है क्योंकि जब इस पर एक बार कट लगाया था तो इसमें से ब्लड आया था इसीलिए इसको माना जाता है कि ये लिविंग है एंड इसलिए इसको वर्जिन ट्री भी बोला जाता है एंड <coughs> महावृष का पुरस्कार भी इसको दिया गया सो दिस ट्री हैज़ बिन अवॉर्डेड बाई जी ओ आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एन डब्ल्यू सी पी जिसने डिफ नहीं नहीं वो लेक्स वाला था सो so, जिसने वेटलैंड की कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम है इंडिया में चलाया जा रहा है सो so, आइडेंटिफाई करती है मिनिस्ट्री uh, तो ये वैसे तो 1985-86 से ही प्रोग्राम स्टार्ट है इसमें वेटलैंड्स uh, लैंडस को आइडेंटिफाई किया जाता है 115 तक वेटलैंड्स इसमें आइडेंटिफाइड है जिनको कंजर्वेशन मैनेजमेंट और इंटरवेंशन की ज़रूरत है अर्जेंटली ठीक है ताकि फर्दर डिग्रेडेशन इनकी ना हो एंड लोकल कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए इसको यूज़ किया जाए तो so, ये जस्ट uh, प्रोग्राम ही आए थे ये, ये मैं हम फटाफट कवर कर लेते हैं नॉट दैट इंपॉर्टेंट ताकि पॉलिसी गाइडलाइंस ले करें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें कंजर्वेशन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंप्लीमेंट इम्प्लीमेंट हो गई उसको मॉनिटर करो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोग्राम को करा रही है वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर वेटलैंड सेंटर के अंडर थोड़ी आते हैं स्टेट्स में पड़ेंगे ना तो स्टेट्स को काम डिवोल्यूट करा जाता है कि भाई हम इसको ठीक ठाक करके दे देंगे आपको गाइडलाइंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे स्टेट्स को पर आप मैनेज आप नहीं करना है मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गाइडलाइंस ठीक है सो क्राइटेरिया क्या होता है आइडेंटिफिकेशन का भाई कैसे तो करते ही होगे ना कि हर किसी को एक ही तराजू में थोड़ी ना तो लोगे सो क्राइटेरिया होता है भाई जो रामसर कन्वेंशन के अंदर का क्राइटेरिया है वही सेम इसका भी क्राइटेरिया है क्राइटेरिया कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड ठीक है कोई यूनिक हो भाई या तो हम उसको चूज करें ठीक है तो यूनिक कैसे हो यूनिक एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप ठीक है कि कोई एक बायोजोग्राफिक रीजन को जैसे लोकतक लेक है मणिपुर में अब क्या है वो फ्लोटिंग है ठीक है वहाँ पे दैट इज़ अ फ्लोटिंग आइलैंड ठीक है वहाँ पे लोग फ्लोटिंग में उसमें रहते हैं ठीक है सो तो दैट कि वो स्पेशल है इसीलिए उसको माना जाएगा एंड उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है uh, उसको सस्टेन करने की क्राइटेरिया बेस्ड ऑन स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ ठीक है किस किस तरीके की स्पीशीज़ हैं अगर वहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं तो भाई जाएंगे ना उसको बचाने या इफ़ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तब हम जाएंगे उसे बचाने एंड अगर प्लांट्स एनिमल्स ऐसे को सपोर्ट है जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं में हैं ऑफ़ देयर लाइफ साइकिल या फिर रेफ्यूज चाहिए उनको फॉर सर्टेन कंडीशंस जैसे कि हमारे कैनइन डिस्टेम्पर ये एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड नहीं है कैन आइन डिस्टेम्पर वायरस फैल गया था ठीक है टाइगर्स uh, में टाइगर्स uh, में फैल गया था उस टाइम पे तो इसीलिए लिए uh, वहाँ से शिफ्ट किया गया था उनको गीत नेशनल पार्क से ठीक है सो दिस इज़ द एग्जाम्पल कि जिनको रिफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है सो स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स सो इफ़ इट रेगुलरली सपोर्ट्स ट्वेंटी थाउजेंड और मोर वाटर बर्ड्स तब उसको सपोर्ट करेंगे रेगुलरली सपोर्ट वन परसेंट ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है अगर फ़िश को सपोर्ट करिए तो बेसिकली ये क्राइटेरियाज़ हैं अलग अलग ठीक है सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक दो याद कर लो काफ़ी आपका काम बन जाएगा <coughs> वही चीज़ दे रखी है आप इसको पढ़ सकते हो एक बार से फिश फिश और बर्ड्स uh, का ठीक है सो so, अगर ये इम्पोर्टेंट सोर्स है सोर्स ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज है तब हम इसको सेव करेंगे सो देर आर सर्टेन कंडीशन तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है भाई जो रामसर कन्वेंशन अब रामसर कन्वेंशन आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे फॉर ऑब्वियस रीजन सो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड उसका बेसिकली रजिस्टर है रामसर कन्वेंशन का जो लिस्ट मेंटेन करता है हाईलाइट करता है उन साइट्स को जो एडवर्सली अफेक्टेड हैं ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉल्यूशन या जो भी इशूज हैं जो वेटलैंड को अफेक्ट करते हैं सो so, ये प्राइड आइडेंटिफ़ाई करता है प्रायोरिटी साइट्स को फॉर पॉजिटिव नेशनल एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन एंड अटेंशन ठीक है इसमें से एड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ़ कंट्रैक्टिंग पार्टीज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो so, इंडिया में कौन कौन सी साइट्स हैं भाई हमारे यहाँ सिर्फ लॉक तक और की नेशनल पार्क का टू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया तो पहले चिलिका लेक भी होती थी पर चिलिका वालों ने काफ़ी अच्छा काम किया चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तो इसका इसमें से इसका नाम हटा दिया गया ठीक है 2002 में हटा दिया गया 1993 में ऐड किया गया था लोग तक तो लेक मणिपुर में आ, है एंड इसके सिग्निफिकेंट हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रही है क्योंकि कैचमेंट एरिया में काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वाटर हाइसिन है जिसको टेरर ऑफ बंगॉल भी बोला जाता है ये क्या करता है कि अगर इसकी सीड्स एक इक्वाटिक uh, इकोसिस्टम में लेक में फैल गए ना तो पूरे ही लेक को ये uh, लगा लो दस पंद्रह दिन में खा जाएगा मतलब पूरे एक लेक का पानी चूस जाएगा एंड पूरे एरिया में इसकी ग्रोथ हो जाएगी दिस इज कैरेक्टरसाइज बाई पर्पल फ्लावर्स तो वॉटर हाइसेंथ कहते हैं उसको एंड पॉल्यूशन वगैरह से जो दिक्कत हुई इसीलिए लोग तकतेक को लगाया गया एंड ये आज भी वहीं पर है तो किया लाडो नेशनल पार्क भी है इसमें जो राजस्थान में है क्योंकि वहाँ पर किआ लाडो में ऑब्वियसली माइग्रेटरी बर्थ आती हैं दैट्स वाई इट इज कैप्टन द मॉन्ट्रिय रिकॉर्ड ठीक है इन विजिव ग्रोथ ऑफ ग्रास पेस्पालम डिस्चीजियम हैज चेंज द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लार्ज एरिया रिड्यूसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ सर्टिन वाटरबर्ड स्पीशीज तो ये जो ग्रास है अब जैसे ये वॉटर हायर सिंथ है जो या लोकतक में आ गया और यहाँ पर ये ग्रास है तो दोनों ने दिक्कत की जिसकी वजह से इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी सो so ये याद रखना है लोकतक एंड कीओलाडो अगर और कोई भी है सो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू नो दैट वैसे तो होगी नहीं क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेशन है देन इज अबाउट नेक नमपुर फर्स्ट नेक नमपुर लेक तो ये हैदराबाद का इट इज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड इन द कंट्री फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड का क्या मतलब होता है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से काम करता है हाइड्रोपोनिक्स से क्या मतलब होता है प्लांट्स वगैरह को उगाना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉयल जैसे मनी प्लांट होता है बहुत बार हम उसको पानी में उगा देते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स ठीक है <coughs> आ, बता दिया तो फ्लोटिंग आइलैंड का क्या मतलब होता है इट इज़ एसेंशली अ प्लेटफॉर्म डिज़ाइन यूजिंग स्ट्राईफॉम बैम्बू एंड गनी बैग्स उनकी मदद से ये आ, बनाया जाता है फ्लोटिंग फ्लोटिंग आइलैंड्स एश्चरी इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं तो एस्चरी इकोसिस्टम क्या होता है दे आर लोकेटेड जहाँ पे रिवर मीट करती हैं सी से ठीक है दे आर वाटर बॉडीज वे आर द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्स विद सॉल्ट वाटर ठीक है अब रिवर में तो फ्रेश वाटर ही होता है तो वो रिवर से मिक्स करता है बाय टाइड या फिर ओशन की वजह से सो एश्वरीज आर मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज़ इन द वर्ल्ड ठीक है दे आर लोकेटेड एट लोअर एंड ऑफ द लिवल एंड वहाँ पे टाइड से वो uh, साफ़ भी होता रहता है पानी एंड डेली वॉश्ड बाय द सी इधर वंस और ट्वाइस तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐश्वरी की ठीक है तो ये देखो ऐश्वरी तो ये ओशियन है हमारा इधर यहाँ पे आएगी यहाँ पे ये एश्वरी है तो यहाँ पे एक स्वम्प फॉरेस्ट भी बना दिया बैक स्वम्प बना दिए यहाँ पे इस तरीके से एंड यहाँ पे ये एक डेल्टा भी बना देगी अगर डेल्टा कई रिवर्स नहीं बनाती नर्मदा तापे की तरह तो वो सिर्फ एश्चरी बनाती है ठीक है तो ये लोअर एश्चरी है जहाँ पे ये ड्रेन होती है ठीक है इन द ओशियन सो जहाँ पे रिवर का पानी ओशन से मिलता है दैट इज एशरी सो देन देख लेते हैं एश्चरी इज अ सेमी क्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर जहाँ पे वन और मोर रिवर्स फ्लोइंग इट हमने देख लिया फ्री कनेक्शन होता है सी के साथ इसकी सैलिनिटी रेंज जीरो टू थर्टी फाइव होगी इसका मतलब इसमें फ्रेश वाटर होगा और द ब्रैकिश वाटर होगा पर मेराइन वाटर नहीं होगा क्योंकि सी से नहीं मिली एंड ये सेलिनिटी भी डिफर करेगी जो यहाँ पे अगर मतलब अपर एस्टुअरी होगी ये मिडल है ये लोअर एस्टुअरी है तो सेलानिटी ऐसे बढ़ेगी यहाँ से यहाँ जाएंगे क्योंकि ये ओशन के पास जाती जा रही है एंड uh, यहाँ पे काम रिफ्यूज होगा क्योंकि ये सी, uh, सी से नहीं मिल रही है तो काफ़ी ज़्यादा शेल्टर मिल जाता है प्लांट्स uh, और एनिमल्स को सो so, ये काफ़ी प्रोडक्टिव रीजन है क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो पाती है एंड ये हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं ऑफ़ द वर्ल्ड सिक्सटी परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग अक्रॉस द एस्चुरीज सो कोस्टल लेक्स विच आर देयर कनेक्शन विद द सी थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स उनको लगोन्स कहा जाता है तो भाई लगून और एश्चुरीज बहुत अलग अलग चीज़ नहीं है एस्टो जो लगूनस है दे आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एश्चुअरीज मैं आपको इधर दिखा देती हूँ देखो ये है सो so, ये यहाँ से रिवर आ रही है और ये ओशियन है सो दिस एरिया इज नोन एज लगोन्स जो बेसिकली एक uh, लैंड जैसे कि बीच है इससे अलग होता है फ्रॉम द ओशियन, ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली जैसे कि देख लिया बैक वॉटर्स की तरह ही है ये लगूंस, तो uh, उन्हीं को कहते हैं जैसे कि हमने यहाँ देखा तो ये बैक वाटर्स है ठीक है तो ये लगून हो जाता है ठीक है तो ये है तो एश्वरी ही बट उसका एक सब टाइप है लगून ठीक है तो देख लिया भाई लगून कोस्टल लेक्स जिनका कनेक्शन होता है सी के साथ थ्रू स्मॉल ओपन ठीक है उनको लगून कहते हैं इसमें भी काफ़ी सैलिनिटी होगी डिपेंडिंग कि वो कितना पाँच है कितना दूर है सी वाटर से सो एश्चरी कैन बी ग्रुप्ड इंटू फोर जियोमॉर्फिक कैटेगरीज ठीक है जैसे कि राइजिंग सी लेवल जितना सी लेवल बढ़ेगा उस तरीके की एश्चरी बनेगी मोवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स ग्लेशियल प्रोसेस एंड टेक्टोनिक प्रोसेस की मदद से एश्चरी फॉर्मेशन होता है ठीक है दे आर टिपिकली क्लासीफाइड बाई दे मॉर्फोलॉजिकल जिस तरीके से वो बनी है उसी तरीके से वो क्लासीफाइड होती है देन देख लेते हैं एश्चरीज के बारे में सो बैंक्स ऑफ द एश्चरीज चैनल फॉर्म द फेवर्ड लोकेशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स ठीक है तो ह्यूमन सेटलमेंट्स द बैंक्स होते हैं इनके तो ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होगी हमने देखा सिक्सटी परसेंट तो यहाँ पे लोग पाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्टिव भी होती है एंड दे एक्ट एज अ फिल्टर फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सी वाटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ट्रैपिंग ऑफ सस्पेंडेड मड एंड सैंड कैरिड बाई रिवर्स ठीक है तो ये ट्रैप कर लेती हैं जो ये एक्शरीज होती हैं जो रिवर्स वगैरह से ज़्यादा सिल्ट वगैरह आता है तो वहाँ पे जितना सिल्ट होगा वहाँ पर उतनी ही वेजिटेशन होगी फॉर सिंपल रीजन हेल्दी एश्चुअरी क्या होती है जो होस्ट uh, uh, करेगी काफ़ी प्लांट्स एंड एनिमल्स को रिसाइकिल करेगी न्यूट्रिएंट्स को सेडिमेंट्स को ट्रैप करके रहेगी बफर बन के रहेगी बिटवीन द क्या कैचमेंट एंड द मेरीन इन्वायरमेंट इट ऑल्सो एब्जॉर्ब स्ट्रैप्स एंड डिटॉक्सीफाई पॉलिटेंट्स एज वेल क्योंकि फ़िल्टर का काम करती है उसके बीच में सो एस्चोरी सपोर्ट्स डाइवर्स हैबिटेट सच एज मैंग्रोव्स ठीक है तो मैंग्रोव सॉल्ट मार्शेस हमने जो देखा इस तरह की एस्चोरी जा रही थी ये बना रही थी तो यहाँ पे स्वम्पी एरिया जहाँ पे मार्श बनते हैं लाइफ कैसी है वहाँ पे भाई सिर्फ सर्टेन तरीके की प्लांट्स और एनिमल्स ही अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं इनके आ, आ, अनुसार क्योंकि डिपेंड करेगा कितनी सैलिनिटी है उस जगह पे एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस पर डिपेंड करेगा सैलिनिटी एंड कितना वहाँ पे फ्लडिंग हो रहा है एश्यज़ आर होम टू ऑल काइंड ऑफ़ टेरेस्ट्रियल और लैंड बेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स हच वुड स्टॉक पेलीकन्स ठीक है ये इस तरीके के एनिमल्स हैं एंड डिसज ट्रीज एंड बटरफ्लाइज भी वहाँ होते ही हैं एश्यज आर ऑल्सो to unique aquatic plants and animals such as sea turtles, sea lions, sea catfish. इस तरीके के वहाँ पे एनिमल्स भी मिलते हैं Predators are important. ठीक है क्योंकि predators की आ, मदद से ही तो वहाँ पे फूड चेन वहाँ पे आ, continuous होगी Predators क्या होते हैं जो अपने से छोटे वाले ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं बेनिफिट्स क्या होगा एश्वरी का वही आ, यार जो वेटलैंड का होता है वाटर क्वालिटी रेगुलेशन ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैबिटेट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी सोशल बेनिफिट्स होंगे लाइवलीहुड वगैरह इंश्योर कराएगा कम्युनिटी वैल्यूज इंडिजीनियस रिक्रिएशन इकोनॉमिक कॉमर्शियल फिशिंग पोर्ट्स एंड हार्बर्स नेविगेशन टूरिज्म स्ट्रॉन्ग एंड इरोजन प्रोटेक्शन तो कंट्री में ये देख लो भाई कितने एश्चरीज होते हैं फोर्टीन मेजर एंड फोर्टी फोर मीडियम एंड वन सिक्सटी टू माइनर रिवर ड्रेन इन टू सी एश्चुरीज आर इम्पोर्टेंट एंड डिस्टिंग कॉम्पोनेंस ऑफ कोस्टल लैंडस्केप तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना होता है मेजर एश्चरीज कहाँ होती है बे ऑफ़ बंगाल में सो ये मन सोच लेना गलती से भी अरेबियन सी में नर्मदा तापी जा रहे हैं तो भाई वहीं होंगे तो नहीं बे ऑफ़ बंगाल में होते हैं क्योंकि कृष्णा वगैरह जो ये जो, जो रिवर है डेल्टा और एश्चरी दोनों ही बनाते हैं मोस्ट ऑफ द इंडियाज मेजर एस्चरीज अक्कर इन द ईस्ट कोस्ट ठीक है तो मेजोरिटी ईस्ट कोस्ट में होती है एंड जो एश्चरी जो वेस्ट कोस्ट में होती है वहाँ होती है पर वो स्मॉलर होती है इश्यूज़ क्या है भाई हमारी एस्चुरीज के साथ इनको सो वाटर फ्लो चेंजेस इन द वाटर फ्लो इन द वेरियस एचुरीज ठीक है कभी काफ़ी ज़्यादा होता है कभी काफ़ी कम होता है जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे उसका डिस्ट्रक्शन होता है ठीक है काफ़ी लोग वहाँ पे जो फिशेस वगैरह है वहाँ पे हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं पोल्यूशन इन वाटर क्वालिटी ठीक है quality, सीवेज के साथ कंबाइन हो जाता है सा, जो सा, सिटी का रन ऑफ है वो आके मिल जाता है रिक्रिएशन एंड टूरिज्म के लिए होता है तो वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाती है पोर्ट्स एंड शिपिंग होती है तो वहाँ पर ड्रजिंग होती है यानी कि जो शिप्स वगैरह आती जाती रहती हैं जैसे कि हुगली पोर्ट पर होता है देन देख लेते हैं शिपिंग होता है जैसे लैंड यूज़ और क्या होता है इसका एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स तो इसके लिए भी इसका लैंड यूज करा जाता है एक्सपैंड हो रहे हैं सेटलमेंट्स तो लोग क्या करें एक्चुरीज वाली जगह पे रह लेते हैं एंड माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज भी यहाँ ज़्यादा है एग्रीकल्चर भी यहाँ ज़्यादा है एंड डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कॉमर्शियल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर तो होगा ही यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लार्ज uh, फिशज़ के स्टॉक होते हैं uh, यहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने कमाने के लिए दे परफॉर्म द एक्वाकल्चर एंड रिक्लेमिंग द फ्रेंच एरियाज़ फॉर इंटेंसिव एक्वाकल्चर इन पेंस ऑब्सट्रक्टिंग द माइग्रेटरी रूल्स ऑफ फिशज तो जितनी वहाँ पे अवैध तरीके की कंस्ट्रक्शन या फिर उस तरीके की चीज़ें होंगी लैंड रिक्लेमेशन होगी तो रूट्स जो फिशेज हैं वो डिस्टर्ब होंगे एंड प्रॉन रिक्रूटमेंट भी कम होगा पॉल्यूशन द इन्वायरमेंट थ्रू फीडिंग ऑफ स्टॉक्ड फिश ठीक है उससे पॉल्यूशन होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडावर्सिटी थ्रू प्लांट्स प्रॉन सीड कलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द स्मॉल मिस्ट नेट्स ठीक है जो स्मॉल स्मॉल नेट्स हैं उनका यूज करके तो क्या होता है सारे ये जो काफ़ी सारे एनिमल्स हैं उनको एकदम से निकाल लेंगे तो फिश भी आ जाएंगे और दूसरे एनिमल्स भी आ जाएंगे स्मॉल मेस्ट नेट्स में तो उसमें क्या होता है कि उनको तो ज़रूरत फिशेस की होती है तो बाकी एनिमल्स फालतू में ही मर जाते हैं एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कैचमेंट एरिया है वो सबमर्ज हो रहा है क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है यू नो वेरी वेल एंड चेंजिंग इन बायोडावर्सिटी प्रोफाइल अफेक्टिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तो बायोडावर्सिटी प्रोफाइल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ही सो तो ये ट्री का दिखा रखा है सो so, यार मैंग्रोव कल कवर करते हैं सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज डिस्कशन एंड जो एट्थ सेप्टेंबर का एनालिसिस है, so, मैं है। so, and, 8th, uh, hai, वो मैं नहीं दे रही हूँ इट वॉज ड्यू टू अ वेरी लॉजिकल रीज़न की ज़ीरो व्यूज जीरो मिनथ एंड एवरी थिंग इज जीरो सो आई एम डेफिनेटली नॉट अपलोडिंग दैट एंड इट इज़ डेफिनेटली अ पनिशमेंट फॉर यू एंड आई शो इट विद द स्क्रीन शॉट एंड सी द सेप्टेंबर का अब एनालिसिस अपलोड होगा विच विल बी इन टुमारो मॉर्निंग सो दिस वॉज इट फॉर टूडेज डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग